Hey guys, and what's up everybody, welcome back to my new vlog. तो आज का जो vlog है ना, ये first time मैं flight से travel करने वाला हूँ. मैं भी फिलहाल हूँ गोवा के दाबोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये मेरा first time flight रहेगा. और हम लोग अभी जा रहे हैं. कैसा होगा experience, मैं आपको अपना experience आपके साथ share करूँगा. So let's go, एक साथ चलो. So guys, पहली बार जब आप entrance कर रहे होंगे तो आपका बोर्डिंग पास और जो आईडी है वो चेक करेंगे. तो आईडी पे मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया और बोर्डिंग पास दिखाया, जो सी एस ए वाले वो चेक करते हैं. तो अभी हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं चेक इन वाले इलाके पे. तो हम लोग को एयर इंडिगो वाले एरिया पे जाना है, क्योंकि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट है. यहाँ पर एक्चुअली आपको अलग अलग कंपनीज एयर इंडिया, विस्तारा, अलग अलग मिल जाएगा. तो अभी हमको जाना है इंडिगो पे. इंडिगो पे अभी सिक्योरिटी चेक इन होगा, मतलब जो सामान है बैग का, बैग में क्या क्या है वो सब देखा जाएगा. सो तो दोस्तों, अभी हम लोग का हो गया है बैग चेक इन, जहाँ पे आपका बैग का जो वेट है ना वो देखा जाता है. तो आपका अगर आप कैबिन पे जा रहे हैं तो इनका होगा 15 केजी के नीचे, और अगर और जो आपका साइड बैग है उसमें होगा लेस देन 7 केजी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने के लिए. ये रहा सुनीत, सुनीत का भी फर्स्ट टाइम है ना. और ये रहे हमारे बोर्डिंग पास. तो हम लोग हैं लाउंज के अंदर. तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं बोर्डिंग एरिया पे बैठे हुए हैं. यहाँ पे हम लोग का जो बोर्डिंग है वो हम लोग का बोर्डिंग है गेट जी से जाएगा, इंडिगो का फ्लाइट है. और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कोलकाता, यहाँ से है डिपार्चर होगा 3:20 को. और एक बात, जब मेरा वॉलेट जब चेकिंग के लिए जा रहा था, तो मेरे वॉलेट के अंदर जो एलएन की था, तो उसके लिए उन्होंने पूरा वॉलेट खोल के, कार्ड वार्ड खोल के पूरा वो लोग चेक कर रहे थे कि अंदर क्या है. तो यहाँ का सिक्योरिटी चेक इन बहुत टाइट है. अगर आपके वॉलेट पे या बैग पे कुछ भी लोहे का सामान है ना, वो सब मत लेके जाइएगा, क्योंकि एलन की मेरे वॉलेट पे रहता है. क्योंकि वो चीज़ जो है ना, एक्चुअली मैं जब ट्रैवल करता हूँ बाइक से, तो बाइक का उसे निकालना होता है, तो इसलिए वो मेरे वॉलेट पे हमेशा रहता है. अभी एलन की उन्होंने रख लिया, तो वो उस पर कोई इशू नहीं है. लेकिन उसके बाद फिर हम लोग गए लाउंज पे, एयरपोर्ट लाउंज, जहाँ पे आपने देखा. तो वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से, अगर आपका वीज़ा कार्ड है तो आपका 2 रुपये चार्ज करेंगे, और आप वहाँ पे आराम से अनलिमिटेड बुफे और खाना आप खा सकते हैं. और अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, हम लोग का फ्लाइट यहाँ से 3:20 को. तो अभी हम निकलेंगे ऐसे गेट जी को. सो अभी हम लोग का बोर्डिंग शुरू हो गया है. 2:35 से बोर्डिंग था. हम लोग निकल रहे हैं. नीचे बहुत बड़ा बड़ा फ्लाइट दिख रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, कि एक नर्वसनेस वैसे टाइप का लग रहा है. भाई गाइस, क्या ही बोलूँ, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ है. तो दोस्तों, घुस चुके हैं एरोप्लेन के अंदर, और एरोप्लेन पे घुसने से पहले मैंने अपना राइट पाउंड देखे, मैं पहले घुसाऊँ, क्योंकि गाइस अभी सबसे ऊपर ऊँचा उड़ने वाले हैं, तो थोड़ा नर्वसनेस तो रहता ही है. दोस्तों, हम लोग घुस गए अपने इंडिगो प्लेन के अंदर. मेरा सीट है 27A. तो 27A कहाँ पे लिखा होता है वैसे, कहाँ पे लिखा है ये? अच्छा, 7 6 7 8. तो आई थिंक हम लोग का थोड़ा सा पीछे है शायद, बहुत पीछे है हम लोग का. तो आप देख सकते हैं कॉरिडोर. गाइस, मैं आगे बैठ गया हूँ, ये रहा विंडो सीट. तो हमारा जो था बोर्डिंग पॉइंट, बोर्डिंग टाइम जो था वो था 2:35, और हमारा जो फ्लाइट है यहाँ से निकलेगा 3:20 को. तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेग स्पेस भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना नहीं है लेग स्पेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो अगर कोई बड़ा हाइट का अगर होगा तो उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे लेग स्पेस थोड़ा कम है. Oh,
फाइनली हम लोग अभी हवा पर हैं और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हम लोग गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल रहे थे और टेक ऑफ करते ही सामने पूरा समुद्र दिख गया एकदम ओशन और पीछे एक छोटा सा आइलैंड भी था। और देखो गाइस कितना एक्साइटिंग और कितना नर्वसनेस था और अभी हवा में आते ही कितना अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन हाँ अभी भी मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा हूँ और ऊपर से देख के ये पूरा ब्लू वाटर देख के तो भाई एक अलग ही थ्रिल मच रहा था मेरे अंदर। दोस्तों मैंने अभी मास्क पहन लिया क्योंकि अभी फ़्लाइट के अंदर ना किसी ने बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम या सेंट जो है कोई मार के आया है तो उससे बड़ा सफोकेशन हो गया मुझे। तो दोस्तों हम लोग कोलकाता पहुंच गए एकदम सही टाइम पे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा indigo.in यहाँ पे लिखा हुआ है और प्लेन ना काफ़ी बड़ा है देखने में और बहुत ही ह्यूज है। और ऐसे प्लेन से उतरते ही हम लोग के लिए इंडिगो का बस भी हमारे लिए वेट करेगा जो आपको एयरपोर्ट के एंट्रेंस तक आपको ड्रॉप करेगा एक्चुअली। तो क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी दूर है और एयरपोर्ट वाले नहीं चाहते कि पूरे पैसेंजर्स यहाँ पर भीड़ लगाएँ तो इसलिए ना आपके लिए पूरा बस प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप सीधा एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे आप जाएं ताकि आप अगला फ्लाइट पकड़ पाएँ। तो गाइस अभी बस चल चुकी है और बस के विंडो से बाहर का नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के फ्लाइट्स हैं और एरोप्लेन्स हैं और जगह जगह एरोप्लेन पे फ्यूल डालने के लिए आपको यहाँ पर बड़ा बड़ा गाड़ी भी दिखेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे, कोलकाता के एयरपोर्ट पे नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे ठीक समय पर पहुँचे और एक बस लेके गई हमें, बस लेके फिर हमें यहाँ पे आना और अभी इसके बाद जाना हम लोग गेट नंबर 24 पे। उसके बाद फिर हम लोग का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है गुवाहाटी के लिए उसके बाद जाना है और हम लोग अभी फिलहाल कोलकाता में गोवा से कोलकाता पहुँचे। और फ्लाइट एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो टेक ऑफ के समय थोड़ा सा डर लगा और लैंडिंग के समय थोड़ा सा, लेकिन टेक ऑफ के समय आपको बहुत ज़्यादा जी फोर्स एकदम ग्रेविटी आपको खींच लेती है नीचे, वैसा टाइप का आपको फोर्स फील करने को मिलेगा और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और आप एक बहुत ही ऊंचे फ्लाइट में रहते हैं और आप एक बहुत ही हाई ग्राउंड में रहते हैं तो वहाँ से व्यू अलग ही है। सो तो गाइस ये रहा बोर्डिंग एरिया, ये है कोलकाता का सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप ऊपर देख सकते हैं बांग्ला के भाषा में कुछ वर्ड्स लिखे हैं ऊपर और वो रहा हमारा गेट 24। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे गुवाहाटी की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग कोलकाता के एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी का फ्लाइट यहाँ से निकलेगा 7:35 PM को और मेरा सीट नंबर है 24A और हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए बिल्कुल सही टाइम पे। हमारा इंडिगो का फ्लाइट था जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो फ्लाइट था जो हम लोग गोवा से कलकत्ता आए थे वो गुजरा था हैदराबाद और भुवनेश्वर से। और अभी का जो फ्लाइट है वो बहुत जल्दी पहुंच गया, अराउंड 30-40 मिनट्स पे हम लोग कोलकाता से गोवा पहुँच गए। और हम लोग का फ्लाइट जो है वो 33,000 फीट तक गया था जैसे कि फ्लाइट की कैप्टन ने बताया। और अभी हम लोग गुवाहाटी पहुँच गए, बीच में थोड़ा टर्बुलेंस था ठीक है, अभी हम अपना सामान लेंगे यहाँ से। तो गाइस यहाँ से उठाना है हम लोग का लगेज और लगेज जो है ना एक्चुअली गोवा के जो एयरपोर्ट था वहीं पे आपको जमा करना होता है और वो सीधा आपको जो डेस्टिनेशन है मेन आपका डेस्टिनेशन वहीं पे आपको पहुँचा देगा आपका लगेज। तो आपको ये लगेज एरिया पर जाके आपका सामान जो यहाँ से उठाना होगा आपको। चलो तो दोस्तों एयरपोर्ट से हम लोग निकल गए हैं और पल्लवी के पापा जो हैं अंकल हम लोग को सारे सबको पिकअप करने के लिए आए। तो अभी हम लोग यहाँ एयरपोर्ट एरिया से निकल रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।